नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे और हमारे चैनल की ओर से हमारे सभी दर्शकों को यानी आपको धनत्रयोदशी यानी धनतेरस की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव अजय मेहता, इन्होंने एक फ्लैट लिया था जो कि बराबर महाराष्ट्र में मुंबई में मंत्रालय को लगकर के एक इमारत है, बिल्डिंग है वहां पर, और उस फ्लैट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर लिया है, इसके लिए अब वो बेच नहीं पाएंगे। उनका ये कहना है कि जितने दाम उनके मार्केट रेट से होते हैं उससे ज्यादा कीमत वो अदा कर चुके हैं, लेकिन अविनाश भोसले के खिलाफ ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में केसेस हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, और उसमें शिवसेना के एक विधायक प्रताप सरनाइक, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, चार्ज शुरू है। खैर, आज का जो मेन विषय है वो ये है कि कल रात देर रात अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। कल सुबह करीब करीब 11 या 12 के बीच में वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निर्देशनालय के कार्यालय में पहुंचे थे जांच के लिए। जब वो सब जगह से हार गए, उन्हें कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं से रिलीफ नहीं मिला, ऐसे कई बार उन्होंने ये किया। लेकिन सबसे बड़ी महत्व की बात यह है, जब परमबीर सिंह ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे वसूली के, उस वसूली की केस रजिस्टर नहीं हो इसके लिए भी वो हाईकोर्ट में गए थे। उसके बावजूद सब कुछ होते हुए वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर भी वो केस सीबीआई द्वारा रजिस्टर की गई, वो भी उच्च न्यायालय के, सम्माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर। और इसके बाद एक और जो वकील है वहां मुंबई मलाबार के आसपास की, एडवोकेट जयश्री पाटिल, इन्होंने ट्रांसफर के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था, उसमें भी इन लोगों ने, वहां की सरकार ने, सभी ने विरोध किया, सभी न्यायालयों में, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह उसके आर्ग्यूमेंट हुए, बहस हुई, और आखिर में उस पर भी आदेश हुआ कि उस पर भी जांच होनी चाहिए। और फिर जब अनिल देशमुख को समन किया गया तो यही पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, इन्होंने इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, इसके लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए इन्होंने वहां के स्पेशल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह उन्होंने उसकी प्रयास किए, प्रयत्न किए। राज्य सरकार भी उनके साथ मिलकर के उन्हें सपोर्ट में खड़ी थी कोर्टों के अंदर भी। उन्होंने लास्ट में, आखिर में जो ये किया कि उनका जो समन है वो कॉश होना चाहिए, उनके वकील के हाजिरी में, प्रेजेंस में उनकी जाँच होनी चाहिए, जो हाईकोर्ट ने अलाउ किया था कुछ दिन पहले, हमने आपको जानकारी भी दी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वकील के नजर में वो रह सकते हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं अधिकारियों से, ये वकील तक नहीं जानी चाहिए बात, उन्हें सुनाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से वकील को वहां रुकने दिया जाना चाहिए, इस तरह के आदेश हुए थे। उसी तरह से वो कल गए थे, उनकी जांच हुई, और उनके जो वकील है इंद्रपाल सिंह वगैरह, कुछ नाम बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उनका जो कस्टडी है वो हम लेने देंगे, उसका हम न्यायालय में विरोध करेंगे। अब देखिए, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि उनका आज सुबह मेडिकल होने जा रहा है, मेडिकल के बाद उन्हें न्यायालय में हाजिर किया जाएगा कस्टडी के लिए। और जो सूत्रों से कल रात देर रात हमें जानकारियां प्राप्त हो रही थी वो ये थी कि ये सहकार्य नहीं कर रहे हैं जांच में, यानी 100 करोड़ की वसूली का जो इनके ऊपर आरोप था या आरोप है, वो पैसे जब इनके जो पीए और पीएस जो पकड़े गए हैं और ये जो वाजे इन्होंने जो जानकारी दी है वो हिसाब से इन्हें मिलते थे, वो पैसे ये कहाँ कहाँ भेजते थे, क्योंकि किसी हवाला ऑपरेटर का भी बीच में एक महिला का कुछ लिंक आया था सचिन वाजे के साथ, तो पैसे कहाँ और किसके पास भेजे जाते थे, और ये जो जमा कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, क्या अपने पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता है या फिर वो नेता है जिन्होंने इनका नाम दिया था मंत्री पद के लिए, सम्माननीय मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के, तो ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी जब तक मिलती नहीं तब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपने प्रयास प्रयत्न खत्म करेगी नहीं। इसी बीच किरीट सोमैया, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र से, उनका बयान आया है कि अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर आने जा रहा है, जो कि परिवहन मंत्री है महाराष्ट्र के, और उन्होंने ये भी कहा है कि 31 दिसंबर तक वो कम से कम 40 बड़े बड़े घोटाले बाहर निकालने जा रहे हैं, एक्सपोज करने जा रहे हैं सबूत के साथ, और कम से कम 10 महाराष्ट्र के ऐसे मंत्री हैं जो जिन्हें घर पे बैठना पड़ेगा, जो घर पे बैठेंगे, यानी इस तरह की सनसनीखेज पूरी राजनीति वहां महाराष्ट्र में चल रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसफर स्कैम जो हुआ था,
जिसमें रश्मि शुक्ला ने सम्माननीय उच्च न्यायालय में कुछ जानकारी दी थी कि ये जो देवेंद्र फडणवीस के पास ये जो रिपोर्ट गई थी, जो कि उन्होंने पुलिस के, वो तो कमिश्नर थी सीआईडी की महाराष्ट्र की, उन्होंने परमिशन के लिए पुलिस महासंचालक यानी डीजीपी से परमिशन मांगी थी, उन्होंने गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी, और ये पूरा जो उन्होंने फोन टैप किए वगैरह जो भी हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें उन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास वो सबमिट की थी, और वही रिपोर्ट गृह मंत्रालय यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के जो उस समय थे उन्हें वो दी थी, और वहां से वो मुख्यमंत्री के पास गई थी। अब इन्होंने ये जो जानकारी दी है सम्माननीय उच्च न्यायालय के सामने रश्मि शुक्ला जी ने, क्योंकि वो तो अब केंद्र के डेप्यूटेशन पर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई ये हमने नहीं की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी राष्ट्रवादी के दो नेताओं ने ये रिपोर्ट लीक की है, यानी उन्होंने आधार लिया एक वहां के लोकसत्ता नाम के न्यूज़पेपर है, लोकसत्ता के अंदर एक जानकारी छपी थी उसका आधार लेते हुए उन्होंने कहा, और उनका इशारा शायद जितेंद्र रावत और नवाब मलिक की तरफ था। तो इस तरह की ये पूरी घटनाक्रम वहां का चल रहा है, बहुत ही सनसनीखेज। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई आने वाले दिनों में अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की पूरी पूरी संभावना है, और वो क्यों, क्योंकि अगर आपको जानकारी हो तो परसों के दिन एक संतोष जगताप नाम के मध्यस्थ थे जो इस पूरे ट्रांसफर स्कैम यानी जो पब्लिक सर्वेंट की जो बदलियां चल रही थी उसमें वो मध्यस्थ कहे जा रहे हैं सूत्रों द्वारा, और उन्हें परसों के दिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है ठाणे से, जो कि मुंबई से लग के एक छोटा सा शहर है, यानी मुंबई के तुलना में छोटा सा, वैसे बहुत बड़ा शहर है। तो इस तरह के वो हालात हैं, ठाणे के वो रहवासी माने जाते हैं, तो वो ये पैसे किसके लिए जमा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और पैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहे थे, जिस तरह से सचिन बाजा ने जानकारी दी है उसी तरह से वो भी कुछ ना कुछ जानकारी देंगे, और उस केस में भी अनिल देशमुख का जो इन्वॉल्वमेंट है उस वजह से उन्हें वहां पर भी उनकी जो कस्टडी है उसके ट्रांसफर होने की संभावना है, न्यायालय के द्वारा सीबीआई उनकी कस्टडी मांग करके ले सकती है। तो ये सब हालात हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कुछ दिन पहले औरंगाबाद में जो कुछ उद्घाटन का कार्यक्रम था जुडिशियरी का, उसमें जहां पर कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सर न्यायाधीश और बॉम्बे हाईकोर्ट यानी मुंबई में जो हाईकोर्ट है महाराष्ट्र और गोवा का, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस, इनके और कई सारे जुडिशियल अधिकारियों के हाजिरी में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो फिरियादी गायब हो रहे हैं, वॉन्टेड हो रहे हैं। यानी देखिए उनका इशारा डायरेक्ट परमवीर सिंह की तरफ था। अब ये परमवीर सिंह इन्होंने ठीक है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था कि 100 करोड़ की उगाही करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन बाजे से कहा है वगैरह वगैरह, और इस चीज की जानकारी सचिन बाजे ने ही परमवीर सिंह को दिए जो कि तब के तत्कालीन मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। लेकिन जब वो पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने जानकारी नहीं दी, उन्होंने ये जानकारी तब दी जब उनकी बदली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होमगार्ड्स यानी महासंचालक होमगार्ड्स का बनाया गया। तो देखिए सचिन वाजे किसी और पार्टी में था, उस पार्टी का वो प्रवक्ता था, वो डिसमिस हो चुका था खाते से 13-14-15 साल बाद अगर उन्हें वापस लाया जाता है तो वैसे हालात में उन्हें अनिल परब और अनिल देशमुख की मीटिंग हुई थी उनकी, इस तरह का उनका कहना है। उन्होंने एक पत्र लिखा था एनआईए के स्पेशल कोर्ट में, क्योंकि वो मनसुख हिरेन के केस में वो अरेस्ट हो चुके थे, एंटीला के बाहर उन्होंने जो एक्सप्लोजिव प्लांट किए थे जेलेटिन स्टिक्स एक स्कॉर्पियो गाड़ी में। तो ऐसे हालात में मनसुख हिरेन के मर्डर केस में वो जब अरेस्ट हुए उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने ये कहा था कि अनिल देशमुख अच्छे खासे नाराज थे, और उनका ये कहना था कि आपको किसने लाया, आप कैसे आए, हमारे जो सर हैं बॉस हैं वो नाराज हैं और उन्हें हमें खुश करना पड़ेगा, और उसमें उन्होंने 2 करोड़ की डिमांड की थी। यानी जिस केस में शरद पवार साहब का कोई लेना देना नहीं है उस केस में ये अगर 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं तो उनका नाम जिसने दिया था गृहमंत्री बनाने के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री के पास उन्हें यानी शायद वो शरद पवार भी हो सकते हैं, तो उन्हें भी ये कुछ ना कुछ तो जरूर देते होंगे पहुंचाते होंगे। तो इस 100 करोड़ों में हर महीने के 100 करोड़ में उनका कितना हिस्सा था नहीं था ये जांच ईडी करना चाहती है, वो जानकारी लेना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है।
लेकिन उसमें ये सहकार्य नहीं कर रहे, इसके लिए इनको अरेस्ट करना पड़ा, क्योंकि ये हर कदम कदम पर न्यायालय जाते थे, ईडी के पांच पांच छह छह समन इनके पास गए हैं, इनके परिवार के पास, इनके पत्नी, इनके बेटों के पास, लेकिन वो कोई सहकार्य करने नहीं है। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो शरद पवार की घटना 2019 की है, शरद पवार साहब के पास जब जानकारी प्राप्त हुई कुछ मीडिया के सोर्स या कुछ अन्य सूत्रों द्वारा कि ईडी उन्हें समन भेजने वाली है, तो उसके पहले वो तैयार होकर खड़े हो गए थे दरवाजे पर कि हम खुद ईडी के कार्यालय जाएंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कार्यालय, प्रवर्तन निर्देशनालय के कार्यालय में। तो क्या उनका उन्होंने ये कहा था कि हमने हमारा कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम खुद जाते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप क्यों हमें बुलाना चाहते हैं, आप हमसे क्या जानकारी चाहते हैं। तो क्या यही काम अनिल देशमुख ने नहीं करना चाहिए था? उन्होंने उल्टा काम किया और वो खुद ही जाल में फंस गया। अब रह गया सवाल ये कि परमवीर सिंह को जो फिरियादी है इस केस में, उन्हें भगाया किसने? तो उन्हें देखिए, ये जो उन्होंने फिरियाद दे दी और ये एनसीपी के यानी राष्ट्रवादी के नेता जब इसमें फंस गए, उन्हें राजीनामा देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, अपने पद से हटना पड़ा, इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार परमवीर सिंह के ऊपर केस दर्ज करने लगी, पुराने पुरानी फाइलें खोलने लगी, और जो कहीं से कभी चिट्ठी आई थी वो इन्वेस्टिगेशन करके दबा के खत्म कर दी गई थी, वो बंद कर दी गई थी फाइलें, वो सब फाइलें खोली और उसमें फिर नए स्टेटमेंट्स लेकर के एफआईआर रजिस्टर करना चालू किया परमवीर सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ। तो ऐसे हालात में जब उन्हें टारगेट किया जा रहा था, तो क्या वो यहां रुकने की परिस्थिति थी उनकी? क्या वो मुंबई में रुक सकते थे या महाराष्ट्र में रुक सकते थे? क्योंकि उन्हें तो अरेस्ट करके अंदर डालना था, बस वो फॉर्मेलिटी बाकी थी। उन्होंने भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई प्रयास किए, प्रयत्न किए कि ये जो इंक्वायरियां चल रही हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन खुले इनके खिलाफ, ये सीबीआई को हैंडओवर कर दिए जाए, लेकिन ना हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिला ना सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। तो अब ये कहने में क्या बात, क्या दम रह जाती है कि भाई फिरियादी फरार है? फिरियादी फरार नहीं है, उन्हें आरोपी बना करके कुछ केसेस में फरार कर दिया गया है। कांग्रेस के एक नेता बाहर है, उन्होंने भी ये कहा कि ये तो बेल्जियम जाकर के बैठे हैं, नेपाल के रास्ते से बाहर गए। तो इन्होंने रोकना चाहिए था। कानून व्यवस्था, सुव्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था, ये किसकी जवाबदारी? लॉ एंड ऑर्डर वहां के राज्य के सरकार की, महाराष्ट्र की। उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्या उनकी जवाबदारी नहीं थी? ये व्यवस्था उन्होंने रखनी चाहिए थी कि ये हमारे केसेस में आरोपी है, ये भागने नहीं पाने चाहिए। क्या ऐसा कहा जा सकता है, ये आप सभी से सवाल है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने उसे आरोपी बना करके और भागने का रास्ता भी दिया, मौका भी दिया, और अब ये उनका कहना उचित होगा क्या? ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा हुआ है तो क्या उनका कहना उचित होगा कि हमारे यहां तो फिरियादी भाग जाते हैं, यानी जो तकरार देने वाले शिकायतकर्ता वो फरार हो जाते हैं, क्या इस बात में दम है? तो ये पूरी परिस्थिति है महाराष्ट्र की, ये पूरी पूरी जानकारी हमने आपको दी वो इस वजह से क्योंकि देर रात से जो हमें जानकारी मिली वो आज सुबह सुबह हम वीडियो बना रहे हैं, उस पर आप सभी से निवेदन है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, और आपके सभी जितने दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके जो सहकारी कलीग्स हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, सभी से आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर नागरिक तक सही सही जानकारी तुरंत पहुंच सके और वो तुरंत उसे प्राप्त कर सके, क्योंकि ये इस तरह की पूरी जानकारी प्राप्त करना भारत के हर नागरिक का अधिकार है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो और एपिसोड की आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारा वीडियो तुरंत देखकर आप सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए दोबारा आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धनत्रयोदशी यानी धनतेरस की मंगलमय शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद।